अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मोबाइल फोन किस किस को पसंद है? पसंद है। आपको पता है आयशा ये कैसे ईजाद हुआ? स्टीव जॉब्स बड़ा ताबेदार था अपनी माँ का। जब भी वो सौदा सलब लेने के लिए जाता था, उसकी माँ पर्ची पे लिख के उसको बताती थी कि दही ले आई, मेथी ले आई, सुक्का धनिया, पुदीना। वो बेचारा बड़ी खुशी खुशी जाता था, माँ का हुक्म मानते हुए सब्जी लेके वापस आ जाता था। एक दिन वो गया, उसकी माँ ने फरमाइश की कि उसे जापानी गाजरें चाहिए। वो दूर कहीं मंडी में गया, जाके उसने गाजरें खरीदी, पीछे से उस बेचारे की माँ को हार्ट अटैक हो गया। वो जब घर वापस पहुंचा तो उसकी माँ अस्पताल जा चुकी थी, लेकिन उसको ये पता चला कि थोड़ी देर हो गई। माँ तो बच गई उसकी माशाल्लाह, लेकिन देर हो गई। उसने सोचा कि मैं अब फोन बनाऊंगा। स्टीव जॉब्स ने सोचा, उससे पहले किसी ने फोन बना दिया। उसका हौसला नहीं टूटा, उसका हौसला पस्त नहीं हुआ। उसने 70 साल बाद उस फोन को बनाया जो सबको पसंद है और बहुत महंगा होता है। ये सबसे महंगा फोन उसने अपनी मां की मोहब्बत ने बनाया। ये सारी की सारी कहानी झूठी है। ये कहानी मैंने फेसबुक के एक पेज लाडो की लाडियां वहां पढ़ी। मेरी इल्तमास है पाकिस्तानी पूरी कौम से, हम इंटरनेट सोशल मीडिया पे छपी हुई मनगढ़ंत घड़ी हुई कहानियां खबरों पे ऐसे यकीन करते हैं जैसे यकीन करने का हक होता है। आप सबसे मेरी इल्तमास है, कोई भी खबर, कोई भी कहानी जब आपकी नजरों के सामने से गुजरती है तो उसे वेरीफाई जरूर कीजिए, क्योंकि अगर आप झूठ के पीछे लग जाएंगे तो मंजिल गहरा गड़ा है जिसमें एक दफा गिर गए तो फिर बाहर निकलना मुश्किल होगा। मजाक रात में दुनिया न्यूज की तरफ से, इमरान अशरफ की तरफ से, हमारी इस खूबसूरत टीम की तरफ से खुश अपडेट। अरे ओ शेरा, हाय। वाह, मेरे इस दोस्त को इज्जत, एहतराम, प्यार से यहां से ले जाया जाए। हमारे शो की क्लैशनकोफ बीमार हो गई है। ओए होए, क्या कहा? वो क्लेशन को खराब होने नहीं सी, ओदे जी को पानी पा गया। बीमार होना नहीं सी उन्होंने, इमरान साहब उन्हें शर्त ला के ना कि 10,000 दी शर्त के मैं इस मौसम च छाल मार के नहर चो दवाना कढांगा। अच्छा, दवाना कढण गया। हां, मुड़ के 1122 वाले ने उन्हें कढ्या नहर। शरावत साहब, हम आपको बहुत मिस कर रहे हैं। और असल च ना इमरान भाई, वाकया होर सी। अच्छा, छाल नहर ची मारी उन्होंने। अच्छा, लेकिन नहर सुखी सी। माशाल्लाह, हर पासे वाह वाह, इधर अन्ने वाह। ते एड़ा तेज है, एड़ा तेज है ना मुंडा। तुहानू पता इन्हें की कीता? मैं जदों उत्ते आया वा, मेकअप रूम च गया वा, ते एदी वाली च ना अपनी कमीज दा हैंगर टंगे इहदे नाल। जरा गल करो जी, क्या कहते हैं आप सर? मैं कहना कि क्या बात है भाई, इंदा सिर ते वेखो ना। ओए होए, हाय हाय, एहो जे बंदा सिर ना मैच करके तांबे दा सिरा ला रहा होंदा।
तांबे का सेरा नहीं लाना चाहिए क्यों नक सोच जाता सर ये जो मनगढ़ंत कहानियां हैं ये जो नकली खबरें हैं जाली न्यूज अपनी तरफ से बनाई हुई कहानियां उनके ऊपर वेरिफिकेशन अलग अलग चैनल्स की नकली मोहरें और फिर उन्हें अपने पेज की व्यूअरशिप रीच बढ़ाने के लिए जो लोगों का दिमाग डाइवर्ट किया जाता है बदला जाता है किसी एक इंसान जिसने अपने करियर में अपनी तालीम में अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत की होती है और किसी मकाम पर पहुंचा होता है उसके बारे में जो गलत खबर छपती है जो लोग उस पर यकीन करते हैं क्या ख्याल है आपका यार माफी चाहना पाए एहो जी मैं कहानी पढ़ी है कि 5 गेंदों पे 250 स्कोर लोगों ना झूठ बोलने का शौक है उन्होंने मजा आता है ठीक है जी एवं एक्साइटमेंट फैलाना मेरा एक दोस्त मैंने कहता ओ अल्लाह का शुक्र यार मैं क्यों है कहना कल तेरा भरा खलोता उत्तों ट्रेन लंघ गई मैं कहता तू तो बचे है इजी है कहता मैं पुल के थले खलोता एक और चीज भी करते हैं जी तस्वीर बड़ी इंटरेस्टिंग सी लगा के ना स्टोरी शुरू करके एंड ते मॉरल कोई हो रही ना बताते भी हैं कि तस्वीर का इस बात से कोई ताल्लुक नहीं बस आपका ध्यान लेना ना पूछो न मेरे नाल होया है क्या हुआ हाय हाय एक ऐश्वर्या वर्गी तस्वीर उत्तों थले लिखे है जरूरत रिश्ता अच्छा बस मैं उन्होंने क्लिक किया है 5 मिनट बाद काफी आगे जाने तो बाद सरदार साहब वर्गी फोटो थोड़ा एक अगे जाना ना हाँ जी तो सरदार साहब ने आप आ जाना सी अच्छा आप कैसी हैं बिल्कुल ठीक आपने जब सोशल मीडिया इस्तेमाल करती कुछ इस तरह का वाक्या हुआ आपके साथ एक मैसेज आया था अच्छा और ऊपर नाम आपका लिखा ऐशा वर्गी कुड़ी रुक थी तो पहले अपने सास नु कह रही थी मैं आपको एक एक्ट में दिखाऊं चल बेटा दिखा देते उल्टबाजी मार दें ची हमारे आज के मेहमान किसे और काम गए ना जबरदस्त अदाकार अरे जबरदस्त इंसान लातादाद हिट ड्रामे लातादाद हिट किरदार एड्डा सोना है स्क्रीन कैमरे लिए बने हो या फेस से और मदद करने वाला इंसान वाह अच्छा जी मेरी भी कीती है लो जी उन्हें ज़ेन बना लिया 5-6 हज़ार मंगने का अ वेरी टैलेंटेड वेरी हार्ड वर्किंग अ वेरी गुड ह्यूमन वेरी गुड एक्टर एंड वेरी वेरी गुड लुकिंग The hottie of the town, Mr. Humayun Ashraf. प्लीज तशरीफ रखिए सर तशरीफ रखिए सर तशरीफ रखिए आप मुझे बहुत प्यारे हैं मैं आपको बहुत प्यारा हूँ ये बात हम दोनों बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और जब कोई मेरा प्यारा आता है तो फिर मैं उसको ऐसे क्या वेलकम 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 टू मुजाकरात वेलकम टू मुजाकरात सर माशाल्लाह ड्रेसिंग कितनी सोहनी की थी हाँ यहो जे वकील मुजरम नु सजा उन तो बाद सोच रहे थे उफ उस वक्त मुझे वो दफा याद आ चुकी थी शायद बरी हो जाता सर वेलकम टू द शो सर थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी बड़े अरसे से आपका इंतजार था और आप जब भी स्क्रीन पे आते हैं छा जाते हैं रंगमहल क्या बताइए जरा बहुत से लोगों को ये लगता है कि हुमायूं अशरफ और इमरान अशरफ भाई दोनों भाई भाई हैं
हैं हैं हैं हैं हुमायूं साहब, अक्सर मेरे साथ तो ऐसा बहुत हुआ है कि आपकी डेट्स मेरे पास आ गई हैं और आपको कास्ट करने के चक्कर में मुझे फोन आ गया। कभी आपको किसी ने कहा इमरान अशरफ? इतना लकी नहीं रहा कि इमरान अशरफ का ड्रामा मुझे आ जाए। अरे नहीं सर, नहीं ऐसा। लेकिन सक्सेस ये है, माशाल्लाह इमरान ने जो सक्सेस की उसकी एग्जांपल मेरे पास बड़ी अच्छी है कि पहले जब हम काम कर रहे थे और इमरान ने और मैंने काम किया भी है साथ में, तो लोग कहते थे कि इमरान अशरफ आपका भाई है। अब लोग मुझे ये कहते हैं कि आप इमरान अशरफ के भाई हैं। अरे नहीं सर, नहीं, ये 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 तो ये सक्सेस है। नहीं, ड्रामे तो एक दूसरे के या डेट्स एक दूसरे की चली जाएं, लेकिन पेमेंट्स ना जाए। हुमायूं भाई, तमाम प्रोड्यूसर देख रहे होंगे, पेमेंट नहीं जान देंगे। हुमायूं भाई के लिए एक शेर पंजाबी का, के ओ तकदा है भुल जांदा है, आए अगला बंदा रुल जांदा है, सड़क ते टुटदा इंजे सोना जिवें नहर च फुल जांदा है। क्या बात है, वाह वाह। जिवें नहर च फुल जांदा है, अच्छी रोटी वेखदियां इहदा वी मूंह खुल जांदा है। मेरा भी मुंह खुल जाता है, ए सिर च थोड़ा जा तेल पांदा है, वो जमीन ते सारा ही डुल जाता है। कहीं मत जाइएगा, अभी शो चल रहा है, हम ब्रेक थोड़ी ले रहे हैं जी। कमर्शियल मॉडलिंग से करियर का आगाज किया आपने, पहला ऑडिशन कैसे, कब लगा के मैं हीरो हूँ, कब अपना पहला कदम घर से निकाला कि अब मैं हीरो बन के दिखाऊंगा? हीरो इंसान उस वक्त बनता है जब वो हीरो बनने से पहले सोच ले कि मैं हीरो हूँ। अरे आए, 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 वो उसी वक्त हीरो बन सकता है, वो बाद में हीरो नहीं बन सकता। और जब वो घर से निकलता है तो वो उसी स्ट्रगल में निकलता है, और मैं भी उसी स्ट्रगल में निकला था। ये तो ताने भी तो पड़ते हैं ना, एडा तो हीरो। वो ताने पड़ते थे, जरूर पड़ते थे, लेकिन वो एडा वाले नहीं पड़ते थे, तुसी हीरो। अच्छा, मजे की बात ये कि हम जाहिर सी बात है बस में सफर करते थे तो बड़े बन ठन के निकलते थे कि प्रोडक्शन हाउस से जाना है, तो बन ठन के बाल छाल ऐसे गीले करके लगता था कि ये बड़ा एक तरीका है बनने का। तो वहां बस में लोग कहते थे कि आप कोई अदाकार है, तो वहां लगता था कि सही ट्रैक चुनाव है। आए, 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 तो वो स्ट्रगल फिर शुरू हुई। इतनी बात से भी लोग कह देते कि आपने खाना खाया, पैसे नहीं दिए, निकलने लगे, उसने पकड़ लिया, आप कोई अदाकार है। पहला ऑडिशन क्या था, कैसे पहुंचे पहले ऑडिशन तक? बड़ी मजेदार स्ट्रगल है कि वो जो आपके होते हैं ना सपोर्टिंग एक्टर्स जो होते हैं, तो हम तो स्ट्रगल करते थे, लोग बताते थे वहां फलां जगह शूट है तो वहाँ पे 500 लोग चाहिए, आप चले जाएं, तो 500 लोगों के क्राउड में खड़े हुए हैं आप, तो वहाँ से स्ट्रगल करते करते एक प्रोडक्शन हाउस से, यानी कि आपने जो हमारे पासिंग करने वाले एक्टर्स होते हैं जो पीछे कहीं दूर खड़े नजर आ रहे, क्या बात है। हुमायूं साहब, सुनने में आया है कि आप बड़े सख्त हैं, जितने हेल्पिंग आप हैं, जितने इजी गोइंग आप हैं, जितने हम्बल आप हैं, ये क्यों एक हवा बना रखी है कुछ लोगों ने कि ओए हुमायूं? क्योंकि हम यूज्ड टू नहीं है ना हमारे मुल्क में उसूलों के, तो जब कोई उसूल की बात करता है तो वो उनके लिए नई बात होती है, तो उनको लगता है ये सख्ती है। तो आप प्रोफेशनल हैं, आप ये चाहते हैं कि चीज़ें प्रोफेशनलिज्म के साथ हों, वक्त की पाबंदी हो? बिल्कुल, मैं प्रोफेशनल होने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे मुल्क का जो सिस्टम है या जहाँ हम एक दूसरे से फेवर में काम करते हैं एक दूसरे के लिए, उसमें आप बहुत ज़्यादा उसूलों पे चल नहीं सकते, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उसूल पे चलूँ। क्या तो वो डर जाते हैं? वो डर जाते हैं ये कह सकते हैं। तो आप कोई मैसेज देना चाहते हैं उन्हें, कोई आप सामने कैमरा है, आप उन्हें कोई ऐसी चीज़ जो लोग ना आशना है आपके उसूल से या वो आपको गलत समझते हैं, आप कभी होता ना कि आप बात क्लियर नहीं कर सकते उनको,
मसला हो जाए तो फिर बाद में बात भी नहीं होती। सामने कैमरा है, आप कोई उनको बात कहना चाहते हैं? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ काम कर ले, पता चल जाएगा। सर की क्या हाल है, कैसी तबीयत, मजाक है सर? बुजुर्गों आप ठीक है सर? सब ठीक है। अस्सलाम वालेकुम सर, बहुत प्यारे हैं सर। बिनु बुजुर्गों क्या है? हाँ जी, हाँ जी सर। बेटा मैं तेरे यार 2 महीने पहले ओ छड़े गए हैं। हनी साहब सुन भी नहीं, 2 महीने पहले मैं एम फुल किया है। क्योंकि एम फिल कर दे, इन्होंने एम फुल कर। मैं और ऐशा क्लास फेलो हैं दोनों। हाँ, उसने भी किया, मैंने भी किया है। बुजुर्गो फुटबॉल च रन आउट होया हुंदा, चुप कर जो। रखो, मैंने सिर्फ इतना कहना था कि फर्क मत रखो। वाह वाह, बेटों और बेटियों में फर्क मत रखो। हाय हाय, बहुत अच्छी गल, बहुत अच्छी। हमारे मुआशरे का ये अलमिया है कि हम बेटों को ज्यादा अहमियत देते हैं, बेटों को कर्ज उठा के हर वसाइल फराहम करते हैं सर, और बेटियों से ख्वाहिशों की कुर्बानियां मांगते हैं। जब तक ये इम्तियाजी रवैया खत्म नहीं होता, मुआशरा तरक्की नहीं करेगा। एक छोटा सा शेर लिखा है सर, मैंने ये लाजमी सुनना है सर जी। इरशाद, इरशाद। बेटा हो नलायक भी उस पे सब निछावर है, बेटा हो नलायक भी उस पे सब निछावर है, पर जहीन बेटी को फोकियत नहीं देते। बेटों के गमों से है जान से चले जाते, फिर भी बेटियों को लोग अहमियत नहीं देते। बेटियां ही लाती हैं घर में उजाला, सुन सुना आती क्या खंडाला। कितने अफसोस की बात है कि हमने की गल कितने अफसोस की बात है। कितने अफसोस की बात है, कितने अफसोस की बात है। सर मैं ये कहना चाह रहा था, कितने अफसोस की बात है कि बेटों को हमने खुली छूट दे रखी है और तरबियत के नाम पे बेटियों को ब्लैकमेल किया जाता है। जमीन जायदाद बेच के बेटों को पढ़ने के लिए हम आउट ऑफ कंट्री भिजवा देते हैं, जबकि बेटियों को मैट्रिक करवा के घर में बिठाया जाता है। ये बिल्कुल गलत बात है। ये कायनाती सच है कि मुआशरा औरत को तालीम देने से बदलता है, मर्द को नहीं। ओए वाह, शुक्रिया। एक छोटा सा शेर है सर जी, बेटियों को बेटों सा तुम पढ़ा के देखो तो, बेटियों को बेटों सा तुम पढ़ा के देखो तो, कौन कितना काबिल है आजमा के देखो तो, माथे से जहालत का ये कलंक मिटा, ए हटा सावन की घटा। हटा सावन की घटा। माशाल्लाह सर, यकीन करें बहुत ज्यादा मुतासर हूँ सर, आप बहुत प्यारे हैं सर। माशाल्लाह सर, सच्ची मुची बहुत प्यारे हैं आप, और बिलीव करें सर, मैं भी पहले ऐसा ही था सर। और तू तो कभी भी ऐसा नहीं था। कभी होगा सर, बिलीव करें, पहले मैं भी ऐसा था सर, फिर अचानक मुझे नजर लगी सर। किसकी सर? पता नहीं सर, ये देखे सर, ये इनकी लग सकती है। अच्छा, नजर नहीं लगी, तेन वैगन लगी हो दस उन्होंने। सर मैं ऑटोग्राफ लेना चाह रहा हूँ आपसे सर। तेने चुम के खुदकुशी की कोशिश। माशाल्लाह आप बहुत प्यारे हैं सर, लगते ही नहीं सर आप 40 साल के माशाल्लाह। लेकिन हाँ सर, मैं भी आप जैसा ही बनना चाहता हूँ, मेरी दुआ है
या मैं आप जैसा हो जाऊं या आप मेरे जैसे हो जाऊं। ये दुआ है और बद्दुआ है। सर ये छोटा सा शेर है आखिरी। हुस्न भी लाजवाब है प्यारे, इश्क भी बेमिसाल है प्यारे, तोड़ मत दिल का आईना इसमें, तेरा अक्से जमाल है प्यारे। वाह, दुआ है सदा सलामत रहे तू, डिकम डिकम डो अडू, डिकम डिकम डो अडू, डिकम डिकम डो अडू, डिकम डिकम डो अडू, डिकम डिकम। हुमायूं साहब, मेरे मेहरबान, काला जादू, एक तमन्ना ला हासिल सी, रंग महल, इतने हिट ड्रामे, इतने हिट किरदार, स्क्रिप्ट कैसे चूज करते हैं? स्क्रिप्ट में हमेशा यही कहता हूँ कि जब मैं स्क्रिप्ट सुनता हूँ, पहले तो सुना जाता है, जो भी आपको शॉर्ट स्टोरी सुनाता है वन लाइनर, तो मुझे उसमें किरदार का स्केच बनता हुआ नज़र आता है, तो मुझे लगता है कि ये किरदार मुझे करना चाहिए। जिस किरदार का स्केच नहीं समझ में आता, सुनते हुए समझ नहीं आई, कोई इमेज नहीं आया, तो फिर मैं कहता हूँ कि मैं पहले इसको पढ़ूंगा। अच्छा, अगर पढ़ते हुए भी मुझे उसका स्केच समझ नहीं आता तो फिर मैं डाइसी होता हूँ, मैं सोचता हूँ कि ये किरदार मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मैंने उसको कंसीव ही नहीं किया। और अगर कोई प्रोड्यूसर बहुत से पैसे ऑफर कर दे? फिर मैं कहता हूँ आपने जो कंसीव किया बता दे। किसी का किरदार देख के भी ये लगा कि ये मैं अच्छा करता? ऐसा नहीं हो सकता है कभी कभी, लेकिन मैंने कभी देखा नहीं, इस तरह से सोचा नहीं कि मैं ये करता तो बहुत अच्छा करता, लेकिन ये मैं सोच सकता हूँ कि मैं ये करता तो अच्छा कर सकता हूँ। वो कौन सा ऐसा किरदार है जो आपने कभी आपको लगा हो कि यार अगर मैं करता तो बहुत अच्छा करता? मुझे तो मैं तो अक्सर हर चौथे ड्रामे में मैं सोच रहा होता हूँ कि यार मैं करता। मैं हर किरदार को अपने अंदाज से देखता हूँ कि अगर किसी ने अच्छा किया तो मैं कहता हूँ कि मैं ऐसा नहीं कर सकता था। ओह गुड, ये भी मैं सोचता हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता था, ये इसने बहुत अच्छा किया, लेकिन स्पेसिफिकली याद नहीं रखता कि यार ये किरदार मैं करता तो। लेकिन कभी आप देख रहे होते हैं, आप कहते हैं यार शायद मैं उसको ऐसे कर लेता। कभी ऐसा हुआ कि कोई किरदार आपने एक्सेप्ट नहीं किया और जब वो ऑन एयर हुआ तो आपको रिग्रेट हुआ कि यार ये किरदार मुझे नहीं छोड़ना चाहिए? ऐसे काफ़ी स्क्रिप्ट्स हैं मेरे, क्योंकि मुझे पता है मैंने स्क्रिप्ट छोड़े हैं, तो वो जब आते हैं तो मैं उस वक्त मैं सोचता हूँ कि यार ये ऐसा करना चाहिए था, क्योंकि मैं उसको कंसीव कर चुका हूँ। कौन सा ऐसा स्क्रिप्ट था जिसका रिग्रेट हुआ होगा यार ये मुझे कर लेना चाहिए? एक स्क्रिप्ट उसामा ने किया था, तो वो बात भी हो गई थी हमारी ड्रामे की, फिर वो प्रोड्यूसर ने किसी और को कास्ट कर लिया था, डायरेक्टर ने मुझे कास्ट कर लिया था, वो जब आपस में दोनों ने डिस्कस किया, उन्होंने कहा मैंने तो हुमायूं से बात कर ली, उन्होंने कहा मैंने तो उनसे बात कर ली है, अब वो फिर नहीं किया मैंने। फिर कौन डायरेक्टर जीता या पैसे वाला प्रोड्यूसर? प्रोड्यूसर। हुमायूं जितने आप क्यूट हैं, इंस्टाग्राम के डीएम्स तो मैसेजेस से भरे रहते होंगे। क्या है ये, क्या है क्यूट? क्यूट है। तो किस टाइप के मैसेजेस आते हैं और कभी रिप्लाई किया है आपने? रिप्लाई मैं पहले करता था, अब मैं नहीं करता रिप्लाई, क्योंकि रिप्लाई करने पे ये होता है कि वो फिर आपकी एक पर्सनल कॉन्वर्सेशन होती है, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके और फिर वो पोस्ट पे लगा देते हैं कि ये देखें इन्होंने मुझे रिप्लाई किया। ये जो दिखावा या जो फेक चीज़ें होती हैं ना, मुझे नहीं पसंद। मतलब अगर एक शख्स मुझे मैसेज कर रहा है, इसका मतलब वो मेरे लिए मैसेज नहीं कर रहा, वो दिखाने के लिए मैसेज कर रहा है। कैसे रिप्लाई? सर फिल्म आ रही है ढाई चाल जी। अच्छा, और बड़ा आप उसमें एक्शन हीरो रोल अदा कर रहे हैं, आप थोड़ा बताएंगे? हाँ, ढाई चाल मेरे दिल के बहुत करीब है वो फिल्म, क्योंकि उसमें सबकी बहुत 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 ज़्यादा मेहनत लगी हुई है। वो सर्दी में हमने क्वेटा में शूट की है, पहाड़ों में, बर्फ़ों में, बहुत मुश्किल उसकी शूट थी, और तकरीबन 3-4 साल उस फिल्म के पीछे लग गए, क्योंकि सर फिल्म देखो ना, फिल्म तब्दील हो गई माशाल्लाह, हीरो आ रहे हैं भाई साहब, वरना जी पहलियाँ फिल्मा होंगे सी वो हीरो वेखे ना तुम पुराने हीरो तो वर्गा, तो उन्होंने इतने पस्तौल लाया हों। इनका मतलब है क्यूट। हमें भाई यक तरफा मोहब्बत के बारे में आपका क्या ख्याल है? यक तरफा मोहब्बत की ताकत ही कुछ और होती है, ये औरों की तरह दो लोगों में नहीं बढ़ती है, फिल्म का डायलॉग।
महबूबा की डोली जा रहे हो ना तो यहोजा गरीबों का बच्चा गाना गा रहे होंगे जिगर छन्नी है दिल घबरा रहा है यक तरफा मोहब्बत का जनाजा जा रहा है। यकीनन आपसे तो बहुत को हुई होगी यक तरफा मोहब्बत, आपको हुई किसी से? मोहब्बत तो हुई है, यक तरफा मोहब्बत भी हुई है, ऐसा नहीं है नहीं हुई। एक बार मोहब्बत पे यकीन रखते हैं कि बार बार होने पे? मोहब्बत की जो तासीर है ना ये बड़ी डिफरेंट है, कभी ये कुछ होती है कभी ये कुछ होती है, ये डिपेंड करता है कि आप किस माहौल में हैं, किस सिचुएशन में हैं, कैसे इंसान के साथ, कैसे इंसान के साथ हैं। आपको दोबारा मोहब्बत भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि नहीं हो सकती, दोबारा मोहब्बत भी एक वक्त में दो लोगों से हो सकती है, वो हो सकती है। क्रश भी तो कोई होगी ना आपकी? अब तो कोई क्रश नहीं होती है सच, ऑनेस्टली मैं बताऊं कि मुझे अब किसी पे क्रश नहीं होता, क्योंकि शायद हम इतने ज़्यादा बिजी हैं अपने कामों में। इमरान काम करता है, इसको पता है, आप हम जो आप रिकॉर्डिंग्स वगैरह यहाँ डेली हों और 12 घंटे काम कर रहे हो तो आपके पास कहाँ टाइम है क्रश। अच्छा, क्रश के लिए टाइम की जरूरत होती, मौके की तलाश। नहीं सर, मौका भी मिले। अगर अचानक एक नजर ऐसी पड़े कहीं, जिसकी ये बात कर रही है, मैं उस वक्ती दौर के क्रश की बात कर रहा हूँ, जिसकी आप बात कर रहे हैं वो एक तरफा एक नजर वाली मोहब्बत होती है, जो आप कहते हैं ना वाह बस, जो आपने एक इशारा किया है। माशाल्लाह, जिन्नी नॉलेज तुहानू है अगले साल किताब ना लिख ले। सिंगल होने की रीजन क्या है? वो फिर मोहब्बत वाली बात आ जाती है ना कि आपकी मोहब्बत के साथ जो कंपैटिबिलिटी होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो कंपैटिबिलिटी आपको हो सकता है कि अगले 10 साल ना मिले, हो सकता है अगले 10 मिनट में मिल जाए, जो इन्होंने कहा आपने देखा क्या, और आपको क्या बात है, हमारी क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है सर, सोहनी अखां वाला साडे सेट ते मौजूद होए, तुसीं दसो स्पॉटलाइट इस टाइम की सोच रही है? स्पॉटलाइट इस वक्त गौर कर रही है कि आज मेरा क्रश मेरे सामने है और जब वो मेरी आंखों में आंखें डाल के मुझसे बात करेगा तो मैं कहीं और दुनिया में चली जाओ। लैट लाओ इस तो पहले कि मैं भी होश हो जाऊं। शेरा, ये बात, शेरा इज हियर। लेडीज एंड जेंटलमैन, द मोस्ट चार्मिंग, क्यूट एंड हार्ड वर्किंग हुमायूं अशरफ इज हियर। सर, द स्पॉट इज ऑल योर्स। ये मेरा अपना शेर है, ऐसे ही मैंने चलते फिरते जहन में आया तो लिख दिया उसी वक्त। मोहब्बत का ये जमाल बाकी रहेगा, मोहब्बत का ये जमाल बाकी रहेगा, हम रहें ना रहें किस्मत में तेरी, ये तजस्सुस ये सवाल बाकी रहेगा। वाह वाह। गर बुझ भी जाए शमाए जिंदगी, गर बुझ भी जाए शमाए जिंदगी, ये तसलसल ये मलाल बाकी रहे। होते हो तो हो जाओ किसी और के, वाह, होते हो तो हो जाओ किसी और के, मगर तुझ में मैं बाकी रहूंगा, मुझ में तू बाकी रहे। जाइएगा, यही रहिएगा, यही, क्योंकि हमारे साथ मौजूद हैं द हैंडसम अट्रैक्टिव चार्मिंग हुमायूं अशरफ, और देखते रहिए मजाक रात टू अशरफ के साथ। ये बात मजाक रात में वापसी का बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। मोहब्बतों की बहुत सी बातें हुई आज, आज यहाँ बल्कि हर रोज हर एपिसोड में वो लोग यहाँ मौजूद होते हैं जिनकी मोहब्बतों की वजह से हमारी वैल्यू बनती है। मैं ऑडियंस की बात कर रहा हूँ, आप लोग नहीं, हम लोग जो हमारी पूरी टीम है आपके लिए ताली बजाएंगे। क्या तशरीफ आवरी का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? आपके सामने है जनाब, एक तो आपका नाम बहुत प्यारा है,
और एक का बहुत क्यूट हो। ये ये अब आप ये समझेंगे ये क्वालिटी है अशरफ्स की। पंज तो यह पोर्शन शुरू होंगे साढ़े तरपाल पा दिया करो। एक क्वेश्चन और करना चाह रही हूँ आपसे। ये सब मतलब कह रहे थे बोला बोला तो, लेकिन आप लगते तो नहीं। यकीनन जब बात मोहब्बत की, एतबार की और एतमाद की आती है, मैं बहुत बोला हूँ। जब इन तीन चीज़ों से अलग कोई चीज़ आती है तो मैं बोला नहीं। वाह, आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक, अल्लाह का बड़ा शुक्र है। नाम बताएं। अक्सा। अक्सा क्या करती हो आप? मैं स्टूडेंट हूँ, साइकोलॉजी कर रही हूँ। ज़हन पढ़ती हैं आप? थोड़े-थोड़े। एक बाबे ने मैंने कहा रात में कि कहता ले भाई शहजादे 6 महीने तेरे ते तंगी देने, उस तो बाद तेनों आदत पै। जी क्या कहना चाहती हैं? शेर सुनाने। अरे तुझसे तो कोई गिला नहीं, किस्मत में मेरी सिला नहीं, पिछड़े तो न जाने क्या हाल हो, जो शख्स अभी तक मिला नहीं। अल्लाह आपको खुश रखे और आप एक कामयाब डॉक्टर बने और मेंटल हेल्थ पे बहुत ज्यादा काम करें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल आपका। मेरा सवाल हमारे सर से है। आपने इतने सारे सीरियल किए हैं, उसमें रंग महल आपका जो सीरियल था वो बहुत बेस्ट था, तो उसका कोई फेवरेट डायलॉग? डायलॉग वैसे तो कोई डायलॉग याद नहीं है, लेकिन उसमें एक डायलॉग पता नहीं वो मैंने कैसे सीन के बीच में अचानक से ना वो दादी को थ्रेट कर रहा होता है, तो थ्रेट करते करते वो अचानक से आके कहता है उसको दादी। जो था लोग इतना नोट नहीं करेंगे, लेकिन वो उसकी क्लिप्स बना बना मीम्स बनी फिर उसकी। कैसे था वो? वो वही था ना दादी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। हमारी भाई आए ना, आए तशरीफ रखें। जब भी हमारे कोई हीरो भाई आते हैं तो हम इस जगह आते हैं। क्या हाल है? Okay. सर जी अल्हम्दुलिल्लाह। नाम बताइए सर। सर उसामा खान। उसामा साहब क्या करते हैं आप? जी वीडियो एडिटर हूं मैं। क्या गाना चाहते हैं सर? मैं एक अली सेठी का सॉन्ग है तो वो जरा गाना चाहते भी आप? जी हल्का फुल्का। और गा भी रहे अली सेठी को। अली सेठी को मुश्किल चीज में हाथ डाल रहे हैं आप। चले खोल के गा, मेरा पुत्र तो आप ही डेट कर रहे हैं, चंगा पड़ा। ना खुले आँख अगर ख्वाब है तो ख्वाब सही, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद ही है, लब एक बात बड़ी देर के बाद ही है, चांदनी रात बड़ी देर के बाद ही है। वाह वाह क्या बात। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक अल्लाह का शुक्र। मेरा नाम जल्कीफल है। मेरा नाम इमरान अशरफ है। बस सर सबको पता है, अल्लाह का शुक्र है। आपका भी सबको पता चलेगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था आप दोनों के लिए, हुमायूं भाई के लिए भी और आपके लिए भी। एक पर्सनल लाइफ के अंदर और ये वर्क लाइफ के अंदर एक लाइन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, वो लाइन जरूरी है मेरे हिसाब से, तो कोई ऐसी कोई छुट्टी या कोई ऐसा मौका जो आपके दिल के बहुत करीब हो, जो आपको लगता है कि हमारे लिए बड़ी जरूरी थी, वो क्यों और वो क्या थी, वो काइंडली शेयर कर दीजिए। हर दिन जब आप अपने घर जाते हैं और घर वालों से मिलते हैं तो हर दिन वो मौका होता है और हम लोग हर दिन वो मौका मिस करते हैं। एवरी मोमेंट, एक एक दिन। एक 9 to 5 जॉब करने वाला 5 बजे घर जाता है, वो अपनी फैमिली के साथ बैठ के चाय पीता है, बिस्किट खाता है, इन्जॉय करता है, टीवी देखता है, हम नहीं करते। तो हम हर दिन वो मौका मिस करते हैं और हर दिन वो मोमेंट मिस करते हैं। मेरे साथ रोहाम तो मेरे साथ ज़्यादातर होता है, कभी कभी होता है कि वो मेरे साथ ना हो। जिस दिन मैं उसे स्कूल से लेने के लिए जाता हूँ, मेरे बेटे की आंखों में एक अजीबोगरीब सी जीत होती है, चमक होती है, चमक होती है, और ये वाहिद वक्त है जो मैं उसको नहीं दे सकता शूटिंग की वजह से। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया।
अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है इमरान भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, जरा मुच्छा नु ताते दे के बखा जरा। ਇਹ ਜਿਹਾ ਮੁੰਡਾ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਫੈਂਟੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਤੇਰੇ ਭਰਾ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ ਹੈ? ਸਰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੈ? ਇਮਰਾਨ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ ਆਪਕੋ, ਅਗਰ ਆਪਕੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋ ਤੋ ਮੈਂ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਬੈਠ ਕੇ ਸੌਂਗ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹਤਾ ਹੂੰ। ਆ ਜਾ ਮੇਰੀ ਜਾਨ, ਆ ਜਾ ਯਾਰ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਾਇਰ ਮਸ਼ਹਰੇ ਚ ਮਿਸ਼ਰੀ ਚੋਰੀ ਕਰਦਾ ਫੜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। सर सुनाइए प्लीज। सुनिए जे तेरे नाल दगा मैं कमावा, निरब कर मैं मर जावा, नियला कर मैं मर जावा, दुनिया तो डर के जे, दुनिया तो डर के जे तेनु छड़ जावा, तिरब कर मैं मर जावा, हे नियला कर मैं मर जावा, कद जे दुखावा, तिरब कर मैं मर जावा, हे नियला कर मैं मर जावा। अल्लाह आपको जिंदगी दे यार, क्यों आपको कुछ हो मेरी जान, आप जो दगा दगा कमा भी ले ना, टेंशन नहीं लेनी, दगे सबको मिलते हैं मेरी जान, बैठो। आप तो ट्राई जारी रखनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हुमायूं भाई के आने में जितनी आप खुश हुई है ना, इतना खुश मैं पता कब होता हूँ? कब? जब मैं 10-15 दिन की शूट के बाद अपने बेटे रुहाम से मिलता हूँ, उतनी खुशी है आपकी आंख में। अस्सलाम वालेकुम हुमायूं भाई। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? मैं ठीक हूँ। मेरा सवाल है आपसे, आपकी जिंदगी का कोई ऐसा मोमेंट जब आपने खुद को बहुत बेबस महसूस किया? ओ, इस वक्त। क्यों? क्योंकि शूटिंग में जाने देर हो रही है। ये आपके साथ जो बैठी हुई है, ये भी कुछ कहना चाहती है कि आपका नाम नाम बताइएगा? हदीजा। क्या कहना चाहती हैं? मेरा सवाल है, जैसे कि स्टार्ट में इन्होंने कहा कि प्रोडक्शन हाउस में जाते थे, बस में जाते थे, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बॉयज़ होते हैं उनके ऊपर सोसाइटी की तरफ से, फैमिली की तरफ से भी एक प्रेशर होता है स्टेबल होने के लिए, फाइनेंशियल प्रेशर होता है, तो क्या कभी कोई ऐसी स्टेज आई कि वो प्रेशर की वजह से आपने सोचा हो कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, किसी और फील्ड में मुझे चले जाना चाहिए? एक वक्त ऐसा आया था बिल्कुल कि जब मुझे चूज़ करना था कि मैंने जॉब करनी है या शोबिज़ करना है, उस वक्त फिर मैंने चूज़ किया था कि मैंने शोबिज़ करना है। और चूज़ करने के बाद फिर बहुत ज़्यादा हर्डल्स आईं, बहुत ज़्यादा हर्डल्स आईं, मतलब ऐसा ऐसा वक्त आ गया कि जेब में 5 रुपए भी नहीं थे। फैसला ही दुनिया की सबसे कीमती चीज़ है। वाह क्या वाह। मंजिल और रास्ते की जो फाउंडेशन है वो फैसला है, जो इंसान वक्त पर फैसला नहीं कर पाता, वक्त उसके साथ अच्छा सलूक नहीं करता, और जो वक्त पर फैसला कर लेता है, वक्त उसका साथ देना। क्या वाह। हुमायूं साहब, काश के दुनिया को पता लग सके कि मैंने आज आपको कैसे हाईजैक किया है। बहुत खुशी है मुझे। थैंक यू सो मच। जब मेरा कोई दोस्त जिसने आपका साथ दिया हो सारी जिंदगी, क्या बात, पता हो कि वो एक अंदर से साफ नीयत साफ इंसान है। मेरी दुआ है हुमायूं भाई कि आप जिंदगी में कभी, आपकी जिंदगी में कभी कोई गम ना आए, और आप ऐसे ही अच्छे इंसान रहें और हमारे दिलों में रहें और छाए रहें पाकिस्तान पे। आपके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। बुलाने का बहुत शुक्रिया, और हाईजैक करके यहाँ लाने का बहुत शुक्रिया।